वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट हमारी थर्ड क्वालिटी प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा टी एफ से। किससे? डेल्टा टी एफ से। ओके, अगेन इसको समझने के लिए आपको दो चीज़ की यहाँ पर जरूरत पड़ती है ना, वो कौन सी हमें अज्यूम करना पड़ेगा। पहले लेट लेट टी एम नॉट टी एफ नॉट लेट टी एफ नॉट एंड टी एफ नॉट एंड टी एफ। अच्छा, इस टी एफ नॉट को अपन क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके, फ्रीजिंग, यहाँ पे प्योर टर्म क्यों है? देखो यहाँ पे नॉट लगाया अपन ने, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो टी एफ नॉट जो होता है, ये जो टी एफ नॉट जो होता है, ये हमेशा ग्रेटर होता है टी एफ से, है ना। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। दैट मींस द डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय ग्रेटर टर्म्स। कौन सी है? टी एफ नॉट। तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो ये आ गया हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम अगर इसके डेफिनेशन बनाएंगे तो डेफिनेशन किस तरह से बनेगी? तो इसके डेफिनेशन बनेंगी ऐसी, द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस बिटवीन? टी एफ नॉट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देयरफॉर डिफरेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये था हमारा क्वालिटी प्रॉपर्टी के थर्ड प्रॉपर्टी। कौन से? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कौन सा? रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इनके बीच में हमें क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप पढ़ना है। कौन सा? रिलेशनशिप अपने को पढ़ना है ना। या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का आपको डेरिवेशन करना है, मतलब एक्सप्रेशन करना है इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो इसका जब एक्सप्रेशन करेंगे तो एक्सप्रेशन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेंगी, मतलब जो बेसिक टर्म्स हैं वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहले सबसे पहला बेसिक टर्म है कि भाई यहाँ पर जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑलवेजली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ द सोल्यूशन, कि भाई डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन के। ओके, मोलेलिटी ऑफ सोल्यूशन के, है ना। दूसरा जो है यहाँ पर आपको पता है कि जो मोलेलिटी जो होता है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइड बाय क्या होता है? मोलर मास, और मोलर मास किसके बराबर होता है? W1 के बराबर। ओके, ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो N2 है, N तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल मतलब क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास। तो अगर आप सॉल्वेंट के लिए यूज करोगे, सॉल्वेंट के लिए यूज करोगे तो क्या बनेगा भाई? W1 डिवाइड बाय M1 बनेगा, और सॉल्यूट के लिए यूज करोगे तो ये बनेगा W2 डिवाइड बाय M2। तो हमें सॉल्यूट की तो जरूरत है, तो ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। ओके, इतनी जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी है। ओके, तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो बड़े आसानी से बन जाएगा। ओके,
चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, एज वी नो दैट क्या जानते हैं भाई अपन? हम जानते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, ये हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के. किसके? मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के. लेकिन आपको पता है जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट तो आता ही आता है, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, है ना? तो डेल्टा टी एफ इट वॉज टू के एफ इंटू एम. ओके, इसको इक्वेशन नंबर वन देता हूँ. अब आपको मीनिंग बताना पड़ेगा कि क्या क्या है, कि के एफ का मतलब क्या होता है, है ना? के एफ का यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल साइन के जगह पे आया, इसलिए इसे अपन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहते हैं. ओके, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट. कौन सा? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना? और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स. इसकी यूनिट होती है किसकी? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट ही. ओके, देन उसके बाद में एम तो आपको पता है क्या होता है, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, इक्वेशन नंबर वन. बट वी नो, लेकिन हमें पता है, वी नो दैट, हमें पता है. क्या पता है हमें? कि जो मोलेलिटी जो होता है, मोलेलिटी क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, राइट, इसे हम इक्वेशन नंबर क्या देते? इक्वेशन नंबर दे देते टू. ओके, तो हमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालते, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जिसे हम N2 से डिनोट करते, ये क्या भी? W2 डिवाइड बाय M2, इक्वेशन नंबर थर्ड. और मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, इट वॉज टू W1 इन ग्राम, पर हमें ग्राम में तो चलता नहीं, तो हमें केजी मिलाना है, तो केजी मिलाएगा तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, 1000 किलोग्राम, इक्वेशन नंबर फोर. ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की भी वैल्यू आ गई, मास ऑफ सॉल्वेंट की भी वैल्यू आ गई, तो बस इसके जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दो, तो आपको मोलेलिटी निकल जाएगा, है ना? तो पुट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करोगे तो क्या बनेगा? मोलेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है? W2 डिवाइड बाय M2. ओके, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? W1 डिवाइड बाय 1000. ओके, तो रेशियो अपन बना लेते हैं W2 डिवाइड बाय M2, और ये रेशियो पलट जाएगा तो 1000 ऊपर जाएगा और W1 नीचे आएगा. ओके, दैट मीन्स ये बनेगा W2 into 1000 divided by M2 into W1. इक्वेशन नंबर कौन सा दे दो इसे? इक्वेशन नंबर फाइव, है ना? देखो मोलेलिटी की वैल्यू आ गई, बस इस मोलेलिटी की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो. तो जैसे ही आपने इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दोगे तो आपको डिप्रेशन इन प्रेजेंट पॉइंट मिल जाएगा, है ना? तो पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन फाइव इन इक्वेशन नंबर वन. तो चलो इक्वेशन नंबर वन क्या बोलता है? ये बोलता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ, और एम मोलेलिटी की वैल्यू क्या है? W2 1000 divided by M2 into W1. ये आ गया रिलेशनशिप. देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के बीच में रिलेशनशिप आ गया, है ना? अगर आपको
एम टू की वैल्यू निकालना है यहाँ से। अगर आपको एम टू की वैल्यू निकालना है तो एम टू की वैल्यू क्या बनेगी, तो ये जो एम टू है उसको आप डिवाइड में है इधर में ला लो तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो लेखो ला लिया और डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई में इधर में आके डिवाइड बनेगा, है ना। तो ये बनेगा के एफ डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू वन। ओके, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन इन प्रेजेंट पॉइंट। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रिजल्ट से ही हम प्रेजेंट पॉइंट डिप्रेशन को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो उसे भी अपन एक ग्राफ मतलब एक डायग्राम की मदद से अपन सारी चीजें जो है वो समझेंगे, है ना। आपको ये तो पता है कि क्या होता है कि यहाँ पर टी एफ नॉट जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है टी एफ से, है ना। ये अपन इसका डिफरेंस जब डेफिनेशन जब पढ़े थे तब अपन ने क्लियर किए थे, है ना, याद है आपको कि क्या होता है भाई यहाँ पर कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। ये डेफिनेशन थी ना हमारी, तो उसी को अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए आपको टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायग्राम समझना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, वैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर बेसिकली आपको तीन कर्व देखने मिलेगी। कितनी कर्व? तीन कर्व जो है आपको दिखाई देगी, है ना। पहली कर्व ए से बी, देखो ये जो यहाँ से ए से बी ये पहली कर्व, दूसरी सी से डी, है ना, और तीसरी ई से एफ। क्या बोले अपन ने भाई, पहला कौन सा ए से बी, दूसरा कौन सा सी से डी, तीसरा ई से एफ। ओके, तो ये था हमारे तीन कर्व, कितनी तीन कर्व। चलिए, तो सबसे पहले आपको समझने के लिए कौन सा डायग्राम आपको कंसिस्ट करना पड़ेगा, टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। ओके, द डायग्राम कंसिस्ट ऑफ थ्री कर्व, ये जो डायग्राम जो है कंसिस्ट कर रहा है तीन कर्व, कौन से कर्व, कर्व ए बी, कर्व सी डी, कर्व ई एफ, कर्व ए बी, कर्व सी डी, कर्व ई एफ। ओके, ए बी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। अगर आप देखो यहाँ से ए बी, तो देखो जो ए बी जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है, ए बी जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है किसका, सॉलिड सॉल्वेंट। आप देख पा रहे हो सॉलिड सॉल्वेंट, ए बी जो है, ए बी जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है किसका, सॉलिड सॉल्वेंट का। ए बी जो है ये वेपर प्रेशर का कर्व है कौन सा, सॉलिड सॉल्वेंट का। ओके, और बात करें हम सी डी की, तो देखो ये सी डी जो दिख रहा है, ये सी डी इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, कर्व सी डी इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। ओके, और तीसरी कौन सी बच गई हमारे पास, ई एफ, तो ई एफ जो है ये वेपर प्रेशर कर्व किसका, सॉल्यूशन का। देखो ई एफ जो है ये वेपर प्रेशर कर्व किसका, सॉल्यूशन का। और एक बात हमेशा यहाँ याद रखना, ये जो वेपर प्रेशर कर्व ई एफ जो है, ये जो कर्व ई एफ जो है ये हमेशा लिक्विड सॉल्वेंट से क्या करेगा, बिलो रहेगा। ये जो कर्व ई एफ जो है मतलब सॉल्यूशन वाला जो कर्व है ये हमेशा बिलो रहेगा, ये हमेशा नीचे रहेगा लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड सॉल्वेंट से। बात समझ में आ रही है, क्या बोले अपन ने कि ए बी जो है, यहाँ पर जो ए बी जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है किसका, सॉलिड सॉल्वेंट का। सी डी जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है किसका, लिक्विड सॉल्वेंट का, किसका, लिक्विड सॉल्वेंट का। और यहाँ पर जो ई एफ जो है ये वेपर प्रेशर कर्व है किसका, सॉल्यूशन का। और ये हमेशा प्योर लिक्विड सॉल्वेंट क्या रहेगा, बिलो रहेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, शायद ये भी पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा, राइट। द कर्व ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी वेयर सॉलिड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट आर इक्विलिब्रियम। क्या बोले, जो कर्व ए बी जो है, कर्व ए बी और कर्व सी डी, देखो कर्व ए बी और कर्व सी डी जो है ये इंटरसेक्ट हो रहा है कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। देखो कर्व ए बी, ये कर्व ए बी हो गया, ये कर्व ए बी हो गया, है ना, और ये कर्व सी डी हो गया, ये कर्व सी डी हो गया। तो ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करती है, जहां पर ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है और जो सॉलिड सॉल्वेंट जो है ये हमेशा क्या देंगे, इक्विलिब्रियम पे देंगे। क्या बोले अपने,
कि भाई ये जो कर्व ए बी जो है और कर्व सी डी जो है वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और यहाँ पर जो सॉलिड सॉल्वेंट है और लिक्विड सॉल्वेंट जो है ये हमेशा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम फेस में रहेंगे। कौन से फेस में? इक्विलिब्रियम में। कौन से फेस? सॉलिड सॉल्वेंट फेस और लिक्विड सॉल्वेंट फेस। और ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? ये पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या होता है, इस पॉइंट बी पे कर्व ए बी और कर्व सी डी का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। क्या बोले कि भाई ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा सिमिलर रहेगा। ओके, द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इज प्रेजेंट पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और आप देख पा रहे हो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी का जो टेम्परेचर है, ये जो पॉइंट बी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट बी, इस पॉइंट बी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इतनी चीजें समझ में आई। देखो यहाँ पर तीन पॉइंट है। पहले क्या बोले कि भाई जो कर्व ए बी जो है, कर्व ए बी और कर्व सी डी जो है ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। जहां पर क्या है कि जो सॉलिड सॉल्वेंट और लिक्विड सॉल्वेंट वाला जो फेस है ये हमेशा किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और पॉइंट बी पे जो इनका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो भी क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, है ना। और इस पॉइंट बी पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तीनों चीजें अच्छे से समझिए। अगर ये तीनों चीजें अच्छे से समझ में आएंगी तो सिमिलर अपन ग्राफ लेंगे किसका, ईएफ और एबी। देखो ईएफ कौन सा है, ये है ईएफ, देखो ये है ईएफ, है ना, ये है ईएफ और ये है एबी। देखो एबी और ईएफ, ये एबी और ये ईएफ की बात चल रही है। तो एबी और ईएफ में देखोगे आप, तो एबी और ईएफ में देखोगे तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट जो है वो कौन सा इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहां पर इंटरसेक्ट पॉइंट है ई। अरे कर्व एबी और कर्व ईएफ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ई तो है, बात समझ में आ रही है। और इस पॉइंट ई पर, और इस पॉइंट ई पर जो एबी और ईएफ का जो कर्व है इनका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। कौन से पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर जो ए बी और ई एफ का जो वेपर प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ से अच्छे से। और इस पॉइंट ई पे जो टेम्परेचर देखोगे, इस पॉइंट पे टेम्परेचर देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी एफ। देखो पॉइंट ई पे जो आप टेम्परेचर देखोगे वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इतनी चीजें समझ में आई क्या, है ना। क्या बोले भाई यहाँ पे कि जो कर्व ए बी, कर्व ए बी, कर्व ए बी और कर्व ई एफ का जो पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट है वो ई है, है ना। और यहाँ पर जो कर्व ए बी का कौन सा सॉलिड सॉल्वेंट और कर्व ई एफ का जो सॉल्यूशन है ये हमेशा कौन से फेस में रहेगा, इक्विलिब्रियम फेस में रहेगा। कौन से फेस में, इक्विलिब्रियम पे, है ना। और ये जो पॉइंट ई पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर है वो है टीएफ। क्या है, टीएफ। और इस टीएफ को अपन क्या कहते हैं, कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट है तक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखोगे इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, इस फिगर को अच्छे से देखो तो देखो ये जो टीएफ है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है, देखो ये लोअर है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है ये लोअर है एज कम्पेयर टू किसके, TF के। देखो TF हायर दिख रहा है और TF जो है वो लोअर, देखो TF नॉट जो है ये हायर दिख रहा है और TF जो है वो लोअर दिख रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो TF नॉट जो है वो ग्रेटर है TF से। देख लो आप फिगर में दिखाई दे रहा है आपको, है ना। देखो TF जो है ये शॉर्ट है, छोटा है, है ना, यानी लोअर है, और TF नॉट जो है ये बड़ा है। तो TF नॉट इज ग्रेटर देन TF। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। देखो देखा, इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट इज ऑब्वियस बिकॉज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन लाई बिलो दैट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो ये जो वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ कर्व ऑफ सॉल्यूशन जो है ये हमेशा लिक्विड सॉल्वेंट से क्या करेगा, लोअर रहेगा हमेशा। क्या करेगा, लोअर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एज अ कंसिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके, थैंक यू सो मच।